अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट ठीक होंगे। सबको मेरा प्यार सलाम, सबके लिए नेक तमन्नाएं। जो लोग मेरे साथ मुखलस हैं, मेरे साथ उनका शफकत वाला रवैया है, उनके लिए मेरी बेपनाह दुआएं हैं। जो लोग मुझसे बुगज रखते हैं, हसद करते हैं, उनके लिए भी दुआएं। जाओ माफ़ किया क्या याद करोगे। कोई बात नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है कि इंसान ब्रेक होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। आ ही हद तक दुनिया उसे टेस्ट करती है, लेकिन 70 माह उसे जो ज़्यादा प्यार करता है वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। मैं कहता हूँ मेरे लिए सारे रिस्क के दरवाजे बंद कर दो, सारी दुनिया एक साइड पे हो जाओ, लेकिन ऊपर वाला फिर भी अपने रिस्क की अपनी मुट्ठी किसी न किसी हाथ के में इसके सपुर्द कर देगा कि जाओ नुमान आज भूखा है, प्यासा है, या वो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसकी दादरसी के लिए कोई ना कोई इंसान नुमा फरिश्ता मेरी मदद को आ ही जाएगा, या उसकी नुसरत के साथ वो वसीला हक भी बना देगा, अपने वसीले से किसी को भेज देगा, अपने वसीले से मेरी दादरसी भी कर देगा, अपने वसीले से मेरी वो अपना तकलीफ रफा भी कर देगा, और अपने ही वसीले से मेरे लिए मदीद राहें भी खोल देगा, अपने ही वसीले से मेरे रूठों को भी मना लेगा, अपने ही वसीले से मुझे किसी जगह भेज देगा, अपने ही वसीले से किसी को मेरे लिए रिस्क का वसीला बना देगा, अपने ही वसीले से मेरे किए गए गुनाहों के ऊपर पानी फेर देगा, अपने ही वसीले से मेरी खताओं को माफ़ कर देगा, अपने ही वसीले से मुझ कमज़ोर पे अनायत कर देगा, अपने ही वसीले से मेरी नादानियों के ऊपर पर्दा डाल देगा, अपने ही वसीले से मेरी उम्र में भी इजाफा कर देगा, अपने ही वसीले से मेरे रिस्क में भी इजाफा कर देगा, अपने ही वसीले से मेरे घर बार को रोशन कर देगा, अपने ही अकीदे से, अपने ही वसीले से मेरे रूठे हुए को मना लेगा, अपने ही वसीले से मुझसे जो दूर जा चुके हैं मेरे नज़दीक कर देगा, अपने ही वसीले से जो मेरा जहन गलत सोचता है या लोग मेरे लिए गलत सोचते हैं वो दुरुस्त कर देगा, अपने ही वसीले से मेरे बारे में बदगुमानियाँ दूर कर देगा। उसके सामने सर हर तस्लीम करना ही ऐन इबादत है, ऐन होने का हक है, तशक्कर है, क्योंकि अपनी मैं को ख़त्म करना और उसके सामने ही हार मान लेना और उसको ही अपना बना लेना, उसी के सामने रोना, उसी के लिए उसी को कहना कि मेरे लिए मैं तो कमज़ोर हूँ, हताकार हूँ, मुश्किल में हूँ, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर, मेरे लिए दुनिया को मेरा दोस्त बना दे, जो मेरे मुखलस हैं उनका असल चेहरा दिखा दे, जो मेरे दुश्मन हैं उनको मुझसे दूर ले जा, लेकिन मेरे दिल से दोनों के लिए दुआ है, क्योंकि मेरा दुश्मन भी मेरा हलक किया हुआ है, मेरा दोस्त भी मेरा उस खुदा का हलक किया हुआ है, मेरा हलक नहीं मेरे खुदा का हलक किया हुआ, सॉरी, मेरा दुश्मन भी मेरे खुदा का हलक किया हुआ, मेरा दोस्त भी मेरा खुदा का हलक किया हुआ, तो मैं भी उसी उसकी नस्बत से खा रहा हूँ, उसकी नस्बत से मेरी सांसें चल रही हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। मैं ये सिर्फ और सिर्फ तशक्कर के अल्फाज पूरी दुनिया की समंदर और स्याही एक साइड के ऊपर हो जाए फिर भी मैं उसका तशक्कर अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लामका भी वो नामका भी वो हाजिर भी वो गायब भी वो अव्वल भी वो आहर भी वो पहले भी वो बाद में भी वो दाएं भी वो बाएं भी वो ज़मीन में भी वही आसमानों भी। तो मैं ऐ अल्लाह पाक तेरी खुदाई के ऊपर अपना सर ऐसे रख के सजदा ना करूँ या तेरी इकरार ना करूँ, तेरा शुक्र अदा ना करूँ तो क्या करूं। तो ये शुक्र हर बंदे को अदा करना चाहिए, चाहे उसे दुनिया से अजियत ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से फिर भी नफ़ा की तवक्कुल रखें। अच्छा गुमान पैदा करना ही असल इबादत है, क्योंकि वो कहता है कि जिस तरह का मेरे अपने मेरे बारे में गुमान रखोगे मैं वैसा ही तुम्हें दूंगा, वैसे ही लोग मैं अब भेज दूंगा, मेरा हाथ बनो मैं लोगों को तुम्हारा हाथ बना दूंगा, मेरे लिए रोया करो मैं तुम्हारी आंखों की बिनाई भी लुटा दूंगा और उसको उसकी वसत भी ऐसे रख दूंगा कि तुम्हें पहचान हो जाएगी अपनों और गैरों की। तो अल्लाह ताला की किसी एक नेमत का शुक्र मैं अदा कर नहीं सकता, मैं सिर्फ उन टूटे हुए दिलों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो माशरे के साथ उकसाए हुए हैं, जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अपने हेल्थ इशूज़ के साथ, अपने पेरेंट्स के हेल्थ इशूज़ के साथ, फाइनेंशियल के साथ, दोस्तों के साथ, सोसाइटी के रिश्तेदारों के साथ। तो शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें, फिर शुक्र अदा करें। वो कुछ दे रहा है फिर भी शुक्र अदा करें, नहीं दे रहा फिर भी शुक्र अदा करें, कोई आपको कुछ भी कहे, सोसाइटी क्रिटिसिज्म करे,
लेकिन आपने अपना मिशन जारी रखना है। जैसे मैं मिसाल कायम करना चाहता हूँ, मेरा मिशन, दोनों मेरे मिशन, एक मेरा रफाई मिशन है जिसमें अगर कोई कंट्रीब्यूटर आना चाहता है अपनी नस्लों की आबेरी के लिए, वो कोई डोनेशन चैरिटीज़ हैं, वो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हैं, ताकि आपने कहा आपके बच्चों के लिए मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकूँ, एक हॉस्पिटल बना सकूँ, या डिस्पेंसरी बना सकूँ, या स्कूल कॉलेज बना सकूँ। मैं खुद भी लेक्चर दूंगा, दो अपना पूरे का पूरा स्टाफ उसमें आपके ही दिए गए इतिहास की वो मैं इस्तेमाल कर सकूँगा। दूसरा मेरा ये दार और टिका मिशन है, जिसे मैंने अपने इस जिस्म को भी भूख लगती है, इसकी भी अपनी ज़रूरियात हैं, इसकी प्यास है, मेरे भी वालदैन हैं, मेरे भी अपना सिस्टर ने शादी है, एक फैमिली सिस्टम है, उसके लिए मेरे यूटिलिटीज़ हैं, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मुझे भी बिल देने हैं, मैं भी सिटीजन हूँ, मैं भी रिस्पेक्ट चाहता हूँ, मैं भी माशरे का हिस्सा हूँ, मुझे जी और जीने का हक दो। तो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करिए, सबके लिए रोशनी अल्लाह ताला पैदा करे, सबके लिए ज़िंदगी आसान करे, सबके लिए रोशन इम्कान पैदा, सबके जहन को हमवार करे, सबके लिए जो दूरंदेशी अल्लाह ताला पैदा करे, समझने और फहम की तौफीक दे, इल्म हासिल करे और फैलाए। मेरे लेक्चर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पढ़े हुए हैं, ओपन फोरम है, जब तक मेरे सांस हैं मेरी कोशिश है मेरे किसी ना किसी सूरत में रफाए आमा के लिए मैं अपने लेक्चर चढ़ा दूँ। आप स्टूडेंट को भेजें, आप अपनी जहनी आबैरी के लिए, स्टडीज़ के लिए, मटेरियल्स के लिए, थीसिस के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, डिबेट्स के लिए। बाकी मेरे कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, माइंड साइंसिस है, साइकोलॉजी है, ERP डेवलपमेंट है, इंस्टीट्यूशंस, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, अपना डोमेस्टिक इश्यूज हैं, ब्रेकअप्स हैं, मेरी ज़िंदगी के मुशाहदात हैं, या मैं आपको किसी बंदे के साथ पास लेके जा सकता हूँ, जहनी सुकून, सुकून कलब, अल्लाह ताला की ज़ात, रूहानियत, हर किस्म के लेक्चर मौजूद हैं। आप एक दफ़ा बंदे मोमिन की तरह आएँ, ज़ुबान के इकरार से अलावा दिल से इकरार करें अल्लाह की तौहीद का, मुसलमान होने का हक अदा करें, अपने फ़िके और अपने मसलक और अपने कायद का एहतराम करें, दूसरों का भी एहतराम करें, गैर मुस्लिम का भी एहतराम करें, दूसरे मुल्कों की कंट्री में रहने वाले लोगों का भी ख्याल करें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबको फलाह दे, सबके लिए रिस्क, सेहत और हर किस्म की मुश्किलात को आसान करे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे मजीद मोहलत दे, अच्छे लेक्चर्स, अच्छी बातें, अच्छी डिबेट के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। प्लीज़ मेरे ये कॉन्टेंट बड़े ध्यान से सुने, डिलीवर करें, स्प्रेड करें, बार बार सुने, A to Z सुने, इसमें से अच्छे पॉइंट गैट करें। अच्छा स्टूडेंट वही है जो बात पूरी सुनने के बाद नतीजा हासिल करता है, एक अधूरी बात का नतीजा कतई हासिल न करें। मेरे लिए दुआ को दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।